जेडी से लेके सीतापुर लास्ट तक ये स्टेट हाईवे डिक्लेयर हो गया और भी रास्ता चौड़ा होंगे तो तरफ पीडब्ल्यू का हाथ में है, वो लोग ने सर्वे का काम किया है एक बार, लेकिन उसका कोई अभी तक हम लोग स्टेप नहीं देख रहे हैं। इसलिए आप लोग से आवेदन है कि आप लोग आपका मीडिया की तरफ से उठाइए और कुछ कुछ नया रास्ता है पीडब्ल्यू का थोड़े से भी होने जा रहा है, कुछ कुछ टेंडर भी हो गया और हमारे जो आने जाने का संशोधन है, क्योंकि एक काटा को पायलट है, सब जब सभी ऑफिशियल वर्क जो है पोर्टलर के साथ जुड़ा है और हमारा डिमांड था कि और एक शाम को टाइम एक वोट स्पेशल दिन के लिए देने के लिए, क्योंकि सुबह का वोट में कोई जाके उधर काम करके 2-3 घंटा टाइम मिलेगा, वो अपना काम करके शाम को वोट में रिटर्न आ सकता है। इसका मांग हम लोग किया है, अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो नील आइलैंड को टूरिज्म डिक्लेयर किया है तो हम लोग चाहता है कि ये एग्रो टूरिज्म का तहत ये नील दिन चले, क्योंकि हम लोग ज्यादा कंक्रीट या बिल्डिंग का वो टूरिज्म नहीं मांगता। एग्रो टूरिज्म होने से इको फ्रेंडली टूरिज्म रहेगा और उसका साथ साथ एग्रीकल्चर भी रहेगा, ये हम लोग का यहाँ का मांग है। और हमारे जो जेटी है आप लोग देखा है, क्योंकि बहुत ही लंबा जेटी है और उसका भी सेंक्शन हो गया और भी 50 मीटर एक्सटेंशन इंक्रीज होगा सामने, उसका भी ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोग ने मांग किया है और एडमिनिस्ट्रेशन उसका टेकअप किया है। और हमारा जो मेन प्रॉब्लम है टूरिज्म का, अगर आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर कनेक्टिविटी ब्रॉड बैंक का बहुत से प्रॉब्लम है, एटीएम फैसिलिटी नहीं है, इसके बारे में हम लोग सब डिमांड रखा है और कुछ कुछ काम शुरू हो गया और लैंड का भी यहाँ पर अलॉटमेंट के लिए स्टेप लिया है, जो जो डिपार्टमेंट का लैंड मांगता है। तो आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में आज हमको मुख्य अतिथि रूप में आप लोग ने सम्मान दिया है, इसलिए आप लोग को मैं दोबारा हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, जय। थैंक यू चीफ गेस्ट। रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट हैदराबाद निकोबार आइलैंड का लास्ट प्रोजेक्ट था नील आइलैंड, 1973 ये प्रोजेक्ट क्लोज भी किया, 98 सेटलमेंट सेटलर्स को यहाँ बसाया गया था और यहाँ के जो सेटलमेंट एरिया के यहाँ जो लोग हैं जो बसे सरकारी तौर से